मीन आंसर। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा हमेशा, क्योंकि आज मैं अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बारे में बात करने आई हूँ, अदरवाइज मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। लेकिन ठीक है, आप लोग मेरी फैमिली हो, हर चीज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये चीज शेयर ना करो ऐसा हो सकता है क्या? तो चलो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं अपनी वेडिंग एल्बम। अब वेडिंग एल्बम शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन मुझसे एक ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरी वेडिंग के टाइम, वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको कुछ फोटो दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं वो गलतियां बताती हूँ जो गलतियां मैंने अपनी वेडिंग में की थी, जिसका अफसोस मुझे आज तक है और फ्यूचर में भी रहेगा। जब भी मैं इस वेडिंग एल्बम को देखूंगी ना, दिल में एक कसक सी मचती रहेगी कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया मैंने, किसी ने मुझे क्यों नहीं गाइड किया, पहले मुझे अक्ल क्यों नहीं आई। अब आप सोचो भाई कि ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे जिंदगी भर अफसोस होने वाला है और जब भी वेडिंग एल्बम देखूंगी वो अफसोस मुझे होता ही रहेगा। कमेंट करके गेसेस जरूर कर लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वेडिंग एल्बम, तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। तो ये है मेरी वेडिंग एल्बम। एक काम करती हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरी वेडिंग एल्बम। आई थिंक यहां से आपको क्लियर आ नहीं रहा है नजर, मैं आपको स्क्रीन शॉट्स लगा के दिखा दूंगी अपनी पिक्चर्स पास से। फाइनली मैं मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके अपनी शादी की एल्बम आपको दिखा रही हूँ। प्रिंस वेड्स रेखा, हम दोनों बहुत अजीब लग रहे हैं, मेरे गाल बहुत फूले फूले मोटे लग रहे हैं, मैं तो आंटी लग रही हूँ और ऐसा लग रहा है प्रिंस मेरे से कितने साल छोटे हैं। ये 5 साल पहले की तस्वीरें हैं और प्रिंस और मेरी हम दोनों की एज सेम है, वो छोटे नहीं है बट फोटो में वो बहुत ही छोटे लग रहे हैं। और ये मेरा मेकअप आप देख लीजिए पास से। मैं पहले बताती हूँ कि मेकअप में मुझे सबसे अच्छा लगा गजरा हेयर स्टाइल और जिस तरीके से चुन्नी मुझे पहनाई गई है, जो ज्वेलरी मैंने पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और सिर्फ यही अच्छा लगा। और ये तब की है जब जयमाल के लिए स्टेज पे मैं चढ़ रही थी, जयमाल के दौरान जब वरमाला पहनाई, फिर मम्मी जी स्टेज के ऊपर आई और ये अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देने के लिए मुझे फोटोग्राफर बोल रहा था। आई थिंक ये हर लड़की के साथ होता है, शादी के टाइम फोटोग्राफर आपको बोलता है ऐसे पोज दो वैसे पोज दो और हमें बड़ा अजीब सा लगता है, मन में खुशी भी होती है दुख भी होता है, मिला जुला सा फीलिंग होती है मन के अंदर। और ये तब की है जब प्रिंस मेरे को पहली बार मांगे सिंदूर भर रहे थे, तो रात के 12-2 बज रहे थे और बहुत थक गई थी मैं, इसीलिए थोड़ा टायर्ड लग रही हूँ फेस से। और अब जो डिजास्टर हुआ वो मेरे रिसेप्शन पे हुआ, जब मैंने, अब पहले खुद ही पॉज करके कमेंट करके बताओ फोटो देखकर कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या डिजास्टर किया मैंने मेरी रिसेप्शन पे कि मैं अभी तक अफसोस करती हूँ। कर दिया कॉमेंट, अब बताती हूँ। ये मैं और प्रिंस डांस कर रहे थे हमारी रिसेप्शन पे, बहुत मजा आया था। तो डिजास्टर ये किया मैंने कि मैंने मेकअप खुद से किया और मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता था, तो ना मैंने कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर आई शेडो आईब्रो लिपस्टिक कुछ नहीं लगाया, मैंने हेयर स्टाइल तक नहीं बनाया और सर के बाल खुले थे मेरे और सर के ऊपर चुन्नी मैंने ऐसे पिन से लगा करके रख ली क्योंकि आई नहीं रहा था मुझे हेयर स्टाइल बनाना। ऐसी कौन सी दुल्हन अपने रिसेप्शन पे मेकअप करके जाती है, बट मैं ऐसे करके गई क्यों? क्योंकि मेरे पूरे खानदान में और मेरे को किसी को मेकअप हमें आता ही नहीं था और उस दिन मेकअप वाली आई नहीं, पार्लर वाली को बुक कर रखा था पर उसने धोखा दे दिया, वो नहीं आई, तो इसीलिए मुझे मेकअप खुद से करना पड़ा, जो कि मेरे शादी के एल्बम में सबसे बुरा मुझे रिसेप्शन में मेरा मेकअप लगता है। और ये गलती मैंने की, ये गलती आप ना करो, इसीलिए मैंने आज आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाई, ये बहुत पर्सनल चीज आपके साथ शेयर की है, कोई करता हो सकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं कि आप अपने रिसेप्शन पे कितने गंदे लग रहे थे, बहुत बुरे दिखते हो, फिर से बोलेंगे आप काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं आपको एक लेसन बता करके जाने वाली हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो ये तो थी मेरी शादी की तस्वीरें, कि उतनी भी अच्छी नहीं है, ओके ओके मेकअप हुआ है, मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं तस्वीर। सबसे पहली गलती जो हेयर पिन लगाई है वो बहुत गलत तरीके से लगाया है, जो मेकअप किया है वो मेकअप है ही नहीं एक्चुअली। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं इतनी गंदी क्यों लग रही हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। ये तस्वीरें मेरी रिसेप्शन की है, शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है उसमें भी अच्छे से दुल्हन को तैयार व्यार होकर के जाना चाहिए, ब्राइडल मेकअप जैसा कुछ मेकअप लुक लेना चाहिए, लेकिन मैंने जिस पार्लर वाले को बुक कर रखा था उस दिन के लिए समहाउ वो आई ही नहीं, और मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो नहीं आएगी तो मैं लास्ट मोमेंट पे किसको बुलाऊंगी, मैं उसका वेट करती रह गई, उसे वो बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ रास्ते में उधर उधर, बट वो आई नहीं उस दिन, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और मेरा मेकअप फिर करने वाला, घर पे किसी को भी मेकअप नहीं आता है, तो मेकअप मुझे खुद से करना पड़ा। अब मेरी शादी 23 साल की उम्र हुई थी, उन दिनों मुझे मेकअप का मोह भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं किया करती थी, और फिर मैंने अपना मेकअप खुद से किया। और खुद से मैंने, पता है मेकअप क्या किया मैंने, लगाया मैंने एक बीबी क्रीम लगाई, मैंने उसके ऊपर फाउंडेशन लगाया, मैंने काजल लगाया और लिपस्टिक लगाई, बस।
और मैंने कुछ फेस पे नहीं लगाया था और मैंने मेरा जो दुपट्टा था वो मेरे सर के ऊपर आ नहीं रहा था, तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरे हेयर पिंस जो दो नजर आए मुझे, वो दो हेयर पिंस मैंने लगा दी और खत्म किया। मैंने कहा चलो अब खत्म हो गया, बस मैं हो गई तैयार। और मैंने इतना गंदा मेकअप किया था और ऐसे ही मैं रिसेप्शन पे चली गई। मैं तो अपनी शादी में ही इतनी मस्त थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया खुद को, मतलब मेकअप पता ही नहीं था कि मेकअप होता क्या है। तो नोटिस शादी के टाइम ही मैंने अपना पहली बार फेस पे मेकअप करवाया था, उससे पहले मैंने शादी से पहले कभी कोई मेकअप किया ही नहीं था, मैंने शादी से पहले फाउंडेशन लगाया ही नहीं था कभी। मैं बीबी क्रीम्स वगैरह लगाया करती थी लेकिन मैंने मेकअप नहीं लगाया था। तो रिसेप्शन में मैंने खुद से मेकअप किया और उसमें भी बस ऐसा ऐसा ही मेकअप किया जो कि बहुत ही गंदा था। और थोड़ी देर बाद मेरा मेकअप क्रीज होने लग गया, फेड होने लग गया, बहुत गंदा लग रहा था। वो पिन तो हर फोटो में वो ब्लैक पिन बालों के पास देख करके मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि मैंने क्या किया, इतना घटिया मेकअप। तो ये गलती जो मुझसे हुई ना कि अपनी शादी में ब्यूटी पार्लर के भरोसे ही मैं बैठ गई, एटलीस्ट कुछ तो मुझे मेकअप का आना चाहिए था कि मैं खुद से कर पाती अपना मेकअप, कुछ तो मुझे सीखना चाहिए था। चलो शादी भी ना हो, कोई भी इवेंट वगैरह होता है, आप कब तक किसी और के ऊपर निर्भर रहोगे कि कोई आएगा मेकअप करेगा? अरे भाई आपको खुद की तैयारी लड़की हो तो करनी चाहिए। वेडिंग सीजन आ रहा है और मेकअप अगर आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखिए, मेरे बहुत सारे इजी इजी मेकअप ट्यूटोरियल्स मैंने किए हैं। तो आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी पार्लर वाली नहीं आती है या कोई जिसके आसरे आप बैठे हो कि फलाना फलाना मेरा मेकअप कर देगी, वो नहीं आती, तो आप अपना मेकअप खुद से कर पाओ। तो इसलिए मेकअप सीखो, आना चाहिए सबको मेकअप, ठीक है? अब ये आप लोग बोल देते हो कि भी नेचुरल वाली हो मेकअप करती हो, अरे तो यार लड़कियां ही तो मेकअप करेंगी, शादी सीजन आ रहा है, मेकअप नहीं करेगी तो और कौन करेगा? दिवाली हो, करवा चौथ हो, शादी का टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, फेस्टिव सीजन है, तो ऑफकोर्स हम मेकअप करते हैं। मेरे पास तो अब बहुत सारा मेकअप का कलेक्शन है, मेकअप में मतलब अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, मुझे पता है मेकअप कैसे करना है, सीखा है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी सिखाऊं। जो गलती मैंने मेरी शादी के टाइम कर दी है वो गलती आप लोग ना करें। इसलिए मैं आपको एक बेसिक सा चीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हर उस लड़की के लिए जिसकी शादी हो रही है, होने वाली है, या अगर आप लड़की हो तो ये आपके लिए जरूरी है जानना। तो मेकअप करने से पहले अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, हाइड्रेट कर लीजिए, या फेस ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद दिन का टाइम है तो सनस्क्रीन लगाइए, और अगर रात का टाइम है तो आप प्राइमर लगा लीजिए, सीधा प्राइमर लगाइए। और प्राइमर लगाने के बाद आप अपना फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर ये सब लगाइए। तो ये प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सबसे बड़ी गलती हम कर लेते हैं कि अगर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, फेस पे रेडनेस होता है, आप कंसीलर नहीं लगाते, आप सीधा फाउंडेशन लगा लेते हैं, और फाउंडेशन आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको कवर कर नहीं पाता है और आपके आईज अराउंड आपको ब्लैकनेस लगता है, जो कि मेरी पार्लर वाली ने किया था। शादी वाला मेकअप भी मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे मैं बहुत गंदा पैची सा मेकअप किया था, और रिसेप्शन में तो मैंने खुद ही अपना कबाड़ा कर दिया मेकअप का। तो आप क्या क्या कीजिए कि कंसीलर लगाए कीजिए। अब कंसीलर भी अलग अलग तरीके के आते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको मेकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि मेकअप के टाइम कंसीलर्स का सही चुनाव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 5 अलग तरह के कंसीलर्स बता रही हूँ, जैसे कंसीलर कॉन्टोर भी वर्क करता है, ठीक है? ये 5 एले गर्ल के कंसीलर्स हैं और बहुत ही अच्छे कंसीलर है। आप मैक्सिमम मतलब 90% यूट्यूबर्स को देखोगे एले कंसीलर का, एले गर्ल का कंसीलर यूज करते हुए, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी फिनिश, इसका लुक, इसका ये जो ब्लेंड होता है कमाल का होता है। हर यूट्यूबर यही यूज करता है, यही रेकमेंड करता है। मैं पहले तरसती थी कि मेरे पास ये 1 हो, लेकिन अब फिलहाल मेरे पास ये 5 है, और अब भी इसके ऊपर फ्लैट 25% भी ऑफ है, प्लस कोड यूज करते हो तो फ्लैट आपको कोड यूज करने के बाद भी 25% ऑफ मिल जाता है, तो टोटल आपको 50% ऑफ मिलता है अगर आप एले गर्ल के कंसीलर, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से अगर आप परचेज करते हो। तो आप नॉर्मल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन वहां आपको रेट टू रेट मिलेगा, ऑनलाइन चीजें आपको फ्लैट 50% ऑफ में मिल रही है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेस्ट बाय होगा। मुझे मिला है, कोई फेक प्रोडक्ट्स नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑनलाइन फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मुझे तो नहीं मिले, मुझे मिलेंगे तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फाउंडेशन लगाने से पहले या फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर जरूर लगाएं। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके आंखों के आसपास बहुत ज्यादा ब्लैकनेस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो मेकअप करने से पहले आप वहां पे ऑरेंज करेक्टर लगा लो। मैं आपको ऑरेंज करेक्टर दिखा रही हूँ, ये आपके सारे डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है। ये ब्रश के साथ आता है तो इसका अप्लाई करने का फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। ये देख रहे हो ऑरेंज कलर करेक्टर हम यूज करते हैं हमारे डार्क सर्कल्स के ऊपर, डार्कनेस, ब्लेमिशेस,
पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन वाले एरियाज के ऊपर आप माउथ अराउंड आई अराउंड या फोरहेड के पास लगाते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर ताकि वो आपके ब्लैकनेस डार्कनेस को फेड अवे कर दे। और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ, आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके स्किन टोन से 2-3 शेड लाइटर कंसीलर लगाना होता है। मेरा अंडरटोन ग्रीन वॉर्म है तो मैं यहाँ पे येलो कंसीलर लगा रही हूँ और ये मेरे स्किन टोन से काफी ज्यादा लाइट है। हम येलो कंसीलर यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये वाला एरिया ब्राइटन अप हो जाए और आईज ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद सारे ब्लेमिशेज आपके हाइड हो जाते हैं। क्या आप मेरी आंखों में डिफरेंस देख पा रहे हैं विथ कंसीलर विदाउट? तो ये वाला स्टेप मैंने मेरे रिसेप्शन वाले मेकअप में नहीं किया था, मैंने कोई कंसीलर यूज नहीं किया था जबकि कंसीलर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन कलर करेक्टर आप यूज करते हो जहां भी आपके रेडनेस होता है, स्पॉट्स होते हैं रेड, तो उसको फेड अवे करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। ये पिंक कंसीलर है और ये येलो दूसरा वाला कंसीलर है। आपके जो वेन्स का कलर होता है पर्पल ग्रीन ब्लू, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपका अंडरटोन पिंक है या येलो है। और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, तो वो आप चेक कर लीजिए। उससे आपको हेल्प मिलेगी आपका पर्टिकुलर शेड चूज करने के लिए। अब मैं अपनी स्किन टोन से 2-3 शेड डार्कर यूज करूंगी कंसीलर एज अ कॉन्टोर। तो आप देख रहे हो मैं फेस के ऊपर 3 बना रही हूँ और आधे फेस के ऊपर ही बना रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस मैं दिखा पाऊं दोनों फेस में। हम कॉन्टोर करते हैं ताकि फेस को 3D शेप मिले, चेहरा थोड़ा पतला सा लगे। मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख रहे हो। और जब जॉ लाइन वाला ब्लेंड करना है कॉन्टोर तो मैं नीचे की तरफ गर्दन की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे और आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कर रही हूँ। तो और चेहरे देख रहे हो आप डिफरेंस, एक गाल मेरा पतला लग रहा है और दूसरा मोटा फूला फूला सा लग रहा है। तो आप अपने आप को पतला दिखाना चाहते हो फेस को तो आपको कॉन्टोर करना होता है, जो कि मैंने अपने रिसेप्शन पे नहीं किया था। अब नीचे मैं फिर से कंसीलर लगा रही हूँ ताकि शेप एक अच्छी सी आ जाए मेरे कॉन्टोर की और नीचे वाला एरिया हाईलाइट हो जाए, जॉ लाइन वाला एरिया। अब जो मैंने हाइलाइटर यूज किया है एज कंसीलर उसको और कॉन्टोर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। तो मैं दोबारा से उसके ऊपर मेकअप अपना ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से लुक आता है चेहरे का, आप देख रहे हो। अभी ये फिनिश नहीं है, इसके ऊपर आपको ब्लश लगाना होता है, हाइलाइटर लगाना होता है, लेकिन मैं आपको अभी डिफरेंस दिखा रही हूँ मेरे दोनों गालों में। देखो कंसीलर की बात करें तो ऑरेंज कलर करेक्टर, येलो पिंक ग्रीन और कॉन्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे शेड्स बहुत जरूरी होते हैं, आपके मेकअप का एक अहम हिस्सा होता है जो कि मैंने यूज नहीं किया था। सारा आपको स्टेप मैं पार्ट 1 में नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा ताकि आप लोग मेरे जैसी गलती ना करो। तो कमेंट करो आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, तो फटाफट लेके आ जाऊंगी मैं। मेकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट कितना आसान था, अगर आपको समझाने वाला कोई मिल जाए तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। मुझे उन दिनों इन सबकी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी रिसेप्शन पे डिजास्टर मेकअप किया था, डिजास्टर तरीके से अपना लहंगा पहना था, सर पे डाला था, मतलब रिग्रेट ये जिंदगी भर रहेगा। लेकिन ये गलती कहीं आप लोग ना कर दो, इसलिए आज स्पेशली ये गलती मेरे जैसी आप ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो मेरे दिल से है, सच्ची है, प्यारी है, दिल के करीब है, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से वेडिंग आ रही है तो और भी कुछ वेडिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में पूछना हो तो कमेंट जरूर करो, यही मौका है, मौके पे मार लो आप चौका। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में। मैं अपने व्लॉग्स डाल रही हूँ डेली बी हेल्दी व्लॉग्स पे, प्लीज मेरे व्लॉग्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बना रही हूँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी व्यूवर्स जनता जनार्दन आप ही डिसाइड करोगे आपको देखना है नहीं देखना। तो स्क्रीन के ऊपर जो आइकन नजर आ रहा है जहां मैं मेरे हस्बैंड प्रिंस के साथ खड़ी हूँ, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए बी हेल्दी व्लॉग्स को और हमारे व्लॉग्स एंजॉय कीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।